था फिलोज को स्टडी करना, डिस्कस फिलोसफी रखना। उस जमन में हम नेव स्टोक्स इक्वेशंस, हमें मालूम था कि इनके थ्रू हम कर सकते हैं फिलोज को स्टडी। तो नेव स्टोक्स इक्वेशंस नॉन लीनियर इन नेचर हैं, और ये भी मालूम है हमें कि इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मौजूद है जनरल। फिर उसके अल्टरनेट के तौर पे हमने ये तरीके में मूव करना चाहिए, यानी हम जो है ना फ्लोज को स्टडी करें और सबसे पहले सिंपल फ्लोज लें, सो दैट के उन फ्लोज के लिए ये इक्वेशंस भी सिंपलीफाई हो जाएं और इनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला जा सके। उस जमन में हमने पैरेलल फ्लोज की बात की थी, यूनि डायरेक्शनल फ्लोज की। तो वो फिर हमने स्टडी किए, सबसे पहले स्टेडी केस। उन स्टेडी फ्लोज में ये सारे फ्लोज आते हैं, कायटे फ्लो से लेके जो हमने कल तक पढ़े थे, वो सारे फ्लोज उस कैटेगरी में आते हैं और ये सारे स्टेडी फ्लोज थे। तो इनमें हमने अब दो डिफरेंसेस हैं इनमें, ये था कि जो हमने अब तक उसमें जितने भी फ्लोज स्टडी किए हैं देवर इन बाउंडेड डोमेन, उनकी जो डोमेन थी वो बाउंडेड थी, यानी 0 to h या 0 to r डोमेन थी। एक ये बात है, और इस बुनियाद पे हम उनको कहते हैं कि वो फ्लोज जो है वो इंटरनल फ्लोज है। और दूसरी बात ये है कि वो तमाम के तमाम फ्लोज स्टेडी फ्लोज। तो अब हम जो फ्लोज कंसीडर करना चाहते हैं ये भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, बट दे आर अनस्टेडी, एक दो ये अनस्टेडी है। और ये वाले जो दो ये हम टॉपिक्स हमारे हैं, ये है और एक अगला लेक्चर है, तो इनमें जो फ्लोज हैं ये इंटरनल फ्लोज भी, इनकी डोमेन जो है वो 0 to h नहीं है, इनकी डोमेन 0 to ∞ है। तो इस तरह के फ्लोज को एक्सटर्नल फ्लोज कहते हैं। इंटरनल फ्लोज ऐसे फ्लोज जो किसी ज्योमेट्री के इनसाइड अकर कर रहे होते हैं, उनको हम इंटरनल फ्लोज कह दें। और नाम से जाहिर है कि एक्सटर्नल फ्लोज किसी चीज के ऊपर से फ्लो हो रहा हो, जैसे एरोप्लेन के ऊपर से जो फ्लो हो रहा है, या आप बाइक पे जाते हैं आपके ऊपर से जो फ्लो जा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल फ्लो। तो उसके लिए डोमेन क्या होती है, हमारी बॉडी या जो जिस बॉडी के ऊपर भी फ्लो है उससे लेके इंफिनिटी तक अपवर्ड। तो ये तो डेफिनेशन इसलिए यहाँ पे हमने लिखी, इंटरनल फ्लोज और एक्सटर्नल फ्लोज। इंटरनल फ्लोज और उनका स्टेडी स्टेट्स में हाँ ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। तो जो अनस्टेडी फ्लोज लेना चाहते हैं वो बाई चांस है भी एक्सटर्नल फ्लो, तो इसलिए फिर हमने एक्सटर्नल फ्लोज की डेफिनेशन भी दे दी। ये इस तरह की ज्योमेट्री हम एज्यूम कर लें, सपोज दिस इज अ प्लेट ऑफ इनफाइनाइट साइज, इनफाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट विड्थ। तो ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो फ्लो होगा, अगर फ्लूइड इसके ऊपर हो टिल इनफिनिटी वाई के डायरेक्शन में इनफिनिटी तक, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो है इस और वो उसका फ्लो भी हो, तो फिर कहेंगे कि दिस इज एन एक्सटर्नल फ्लो, कि ये इस बॉडी के ऊपर फ्लो है और इसमें डोमेन क्या है 0 to ∞। तो इस तरह की सिचुएशन हम स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एक ज्योमेट्री हम एज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में हम एक हाइट पे एक शीट फिक्स कर दें, तो हमें मालूम है कि उसके ऊपर और उसके नीचे जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई की होगी एयर में, तो एयर इज अ फ्लूइड। तो इसी तरह की सिचुएशन होगी कि फ्लूइड उसके ऊपर भी होगा और नीचे भी। अब इसके ऊपर जो फ्लो हो, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर फ्लो हो एक्स डायरेक्शन में, या जैसे ये शीट है इसके ऊपर फ्लो हो एक्स डायरेक्शन में और अनस्टेडी फ्लो हो, तो वो क्या होगा, इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा आएगा हमारे पास, नॉन जीरो, एक्स कंपोनेंट यानी यू, और वी और डब्ल्यू 0 होंगे। तो ये यानी ये लिखा हुआ यू हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट होगा नॉन जीरो, और यू किसका फंक्शन होना चाहिए, स्टेडी केस में वाई का फंक्शन होता है, और अब अनस्टेडी है तो फिर टी का भी फंक्शन होगा। तो वही आर्गुमेंट्स हैं
कि जेड पे इसलिए नहीं डिपेंड करेगा कि फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस और एब्सेंस ऑफ एनी डिस्टरबेंस इन जेड डायरेक्शन, तो फ्लो जेड की डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा। एक्स पे इसलिए नहीं डिपेंड करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू जीरो। तो फॉर अ फ्लो टू बी पॉसिबल इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो फिर क्या फाइनली फंक्शन, ये वेलोसिटी का फंक्शन जो होगा वो वाई और टी का फंक्शन होगा। और इस को अगर हम यूज करें यानी वेलोसिटी वेक्टर को यू नॉन जीरो वी डब्ल्यू जीरो, तो फिर हमारे पास नेवी स्टोक्स इक्वेशन से पहली नेवी स्टोक्स इक्वेशन का जो कंपोनेंट है उससे ये इक्वेशन आती है। और हम कहें कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स आर जीरो, सारे प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है, तो बाकी दोनों इक्वेशन जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह के फ्लो की जो इस तरह की शीट के ऊपर हो, एक्सटर्नल फ्लो हो यानी जीरो से इनफिनिटी उसकी डोमेन को, तो उसके लिए ये वाली कोऑर्डिनेट इक्वेशन हम यूज करेंगे। अब इसके इस तरह के फ्लोज के दो पार्ट्स हैं, एक है स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम और दूसरा है स्टोक्स सेकंड प्रॉब्लम। तो स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम की ज्योमेट्री इसी तरह की है जैसे हमने ये डिस्क्राइब की, जैसे ये ज्योमेट्री ये वाली प्लेट है, इसी प्लेट पर इस तरह ये शो कर रहे हैं। सर सर ये हम सिर्फ केस ले रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट को जीरो, या वैसे भी अगर प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा तो फ्लो किस रीजन की वजह से होगा? फिर मोशन की वजह से होगा, यही बात है, हमने यही कहा ना। तो फिर प्लेयर की मोशन की वजह से होगा, ठीक। तो ये जो है एक्चुअली अब अभी आपको ये एज्यूम कर लेना ही मुनासिब है कि प्रेशर ग्रेडियंट है जीरो। एक्चुअली हम यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट नॉन जीरो ले ही नहीं सकते, इसमें मुमकिन ही नहीं है, और वो किसी और तरीके से निकलता है, वो आपके बाहर वाले स्कोप से चीज बाहर है। तो इसलिए हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी यही कह देते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, अदरवाइज प्रेशर ग्रेडियंट में जीरो ही निकलता है, वो किसी और तरीके से निकलता है, वो हम एमएस में पढ़ाते हैं वो पूरी चीज का, तब ये सारा डिस्क्लोज होता है कि कहाँ से आता है। तो अभी हमने यही अज्यूम कर दिया, वहां पे हम यही कहते थे प्रेशर ग्रेडियंट ऑन है ऑफ है, तो अभी हम कहते हैं ऑफ है, तो फिर फ्लो किसी और वजह से ही होगा। तो स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम में ये चीज है कि ये वही प्लेट है, ऊपर नीचे फ्लूइड है, इनिशियली क्या है कि प्लेट भी एट रेस्ट है और फ्लूइड भी एट रेस्ट है। तो फिर एट सर्टेन टाइम इस हम प्लेट को, ये जीरो बेस खड़ी है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, हम इसको एकदम मूव कर देते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी कैपिटल यू इसको, और फिर उसी वेलोसिटी के साथ मूव करते चली जाती है, क्योंकि इनफाइनाइट है तो ये चलती चली जाती है। तो ये इनिशियली एट रेस्ट है, सडनली फिर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लो ओवर अ सडनली एक्सेलरेटेड फ्लैट प्लेट, क्योंकि एकदम हम इसकी वेलोसिटी जीरो से नॉन जीरो कर देते हैं, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी इसको दे देते हैं, तो ये झटके से स्टार्ट होती है ना, तो इसीलिए सडनली एक्सेलरेटेड लिख रहा है। तो फ्लो इसकी मोशन की वजह से, तो क्या होगा ये मूव करेगी, तो ये अपने ऊपर वाली और अपने नीचे भी जो इसके इसके साथ एसोसिएटेड फ्लूइड लेयर है उनको ट्रैक करेंगे अपने साथ, और वो लेयर फर्दर ऊपर वाली लेयर्स को ट्रैक करेंगे अपने साथ, तो इस तरह से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो एस्टैब्लिश हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, और फ्लो की वेरिएशन जिस तरह की ऊपर है उस तरह की इसके नीचे होगी, तो ये सिमेट्रिक फ्लो होगा अबव एंड बिलो द प्लेट। तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री हम एक साइड को कंसिडर कर देते हैं अपर साइड को, तो अब हमारी डोमेन क्या हो गई y जीरो से y infinity तक, क्योंकि हमारा फ्लूइड infinity तक है, जितना भी ऊपर गए हैं उनके फ्लूइड है। अब ये वो नहीं बात है कि कोई खास डेप्थ है इसके, नहीं, ये infinity तक है, जैसे हमारे ऊपर एयर है, जहाज चल रहा है उसके ऊपर एयर होती है। तो अब मैकेनिज्म क्या होगा कि इसके मोशन की वजह से इस फ्लूइड में भी मोशन डिवेलप होगी, और यू नो हमने पीछे विस्कस फ्लो फिनोमेना को जितना समझा है उसकी बुनियाद पे भी अगर हम बात करें, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये फॉरवर्ड फ्लो जो होगा ये वीक होता जाएगा, क्योंकि हर मूविंग लेयर ऊपर अपने अपने ऊपर वाली लेयर को ट्रैक कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और
जैसे जैसे ऊपर वाले को ट्रैक कर रही है, डिस्टरबेंस ऊपर पहुंच रही है, तो वो वीक भी होती जा रही है, क्योंकि जिस विलास्टी से नीचे वाली लेयर कोई मूव कर रही है, उससे ऊपर वाली लेयर उसी विलास्टी से मूव नहीं करती, बिकॉज सम एनर्जी हैज बीन वेस्टेड टू वर्क अगेंस्ट द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली से स्लो मूव कर रही है, तो लिहाजा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो फ्लो वीक होता जाएगा और कहीं पे जाके टाई आउट हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं एट इन्फिनिटी फार अवे फ्रॉम द प्लेट फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो फ्लो क्या होगा, इस प्लेट के नेबरिंग रीजन में होगा और फार अवे फ्रॉम दी मूविंग प्लेट फ्लूइड वैसा ही होगा जैसे पहले था, यानी एट रेस्ट होगा। ये हमारी कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन हम कह सकते हैं कि ये हुई कि वाई जीरो पे यू इज कैपिटल यू और वाई इन्फिनिटी में फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो ये जो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताई है कि इनिशियली ये एट रेस्ट है, जो फ्लो ज्योमेट्री ये है, इस तरह फ्लूइड है इसके ऊपर नीचे, और इसको हम सडनली मूव कर देते हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तो हमने बता दिया इनिशियली एट रेस्ट है, एट सर्टन टाइम इसको मूव किया, तो इसके दो पार्ट्स हैं जो है ना, यानी एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले और एक बाद में, तो इसकी इनिशियल कंडीशन भी एक सही होती है। तो यानी ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है ये इस स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम की डेफिनेशन बनती है। आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो बुनियादी बात जैसे हमने कार्टे फ्लो में बताई थी कि कार्टे फ्लो चैनल में फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द अपर प्लेट। अब चाहे उसमें प्रेशर ग्रेडियंट है या नहीं, होगा तो जनरलाइज कार्टे फ्लो, नहीं होगा तो सिंपल। इसी तरह ये स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम की भी आपको डेफिनेशन अपने अल्फाज में आनी चाहिए कि ये इस फ्लो को डिस्क्राइब करते हो सारी। तो ये हमारा फ्लो है, इसके गवर्निंग इक्वेशन है ये 174। इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री डेटा की हमें जरूरत है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है कि एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0 एवरीवेयर फॉर ऑल वाई 0 पे भी और टिल इनफिनिटी एवरीवेयर वेलोसिटी 0 यानी एवरीथिंग इज एट रेस्ट प्लेट भी और फ्लूइड और फॉर टी ग्रेटर देन 0 फ्लूइड इज एट रेस्ट। ये बाउंड्री डेटा और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आप देखेंगे इसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसके सोल्यूशन के दो मेथड्स हैं, एक सिमिलरिटी सोल्यूशन है और एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड है। तो दोनों से ही इसका सोल्यूशन निकल आता है। तो और ये दोनों बुक में भी दिए हुए हैं। सिमिलरिटी सोल्यूशंस खास तरह के सॉल्यूशंस हैं और इसके बारे में टॉपिक भी है आपके कोर्स में, वो भी हमने पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे सिमिलरिटी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करूंगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में पढ़ा है या आपने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को भी इससे सॉल्व किया होगा, तो आप इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी बुक में भी गिवन है, तो ये आपके जिम्मे होगा दूसरा मेथड। तो सिमिलरिटी सॉल्यूशन में क्या होता है, सिमिलरिटी सॉल्यूशन में हम यूजुअली ये करते हैं कोई खास ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसी इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिसकी वजह से ये जो इक्वेशन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है और फिर हल भी हो जाती है आसानी से। तो और उस सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करना ये भी हम यहाँ पे आगे सीखेंगे किसी लग दोनों निकालना वो सारा बताएंगे। तो हम इसको यूज करते हैं सिमिलरिटी मेथड को। ये काम क्या है कि हम जो क्वेश्चन में अब इसे डेरिवेटिव्स हैं, तो हमने वाई और टी के मिक्सचर से एक नया वाई ले जाएंगे और जो टी से डेरिवेटिव है वो भी ईटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो सारे डेरिवेटिव ईटा में आ जाएंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या है, यू इक्वल टू यू नॉट एफ, या यू है कि यू नॉट इधर डिवाइड करते हैं, ये यू नॉट ये रेफरेंस वेलोसिटी हुई प्लेट की वेलोसिटी है, तो ये एफ जो है डायमेंशनलेस वेलोसिटी है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमने ये यहाँ पे कहा है कि ये जो एफ है ये फंक्शन ऑफ ईटा
लगता है इस वेरिएबल का, क्योंकि हमने दोनों वेरिएबल्स को मर्ज कर दिया है। तो इन इस सिस्टम की वजह से अब जो पार्शियल डेरिवेटिव था टी के रिस्पेक्ट से यू का, वो ये बन गया माइनस वन ओवर टू टी यू नॉट ईटा एफ डैश, और जो डबल डेरिवेटिव था वो ये बन गया एफ इनटू एफ डबल डैश। इसको इनको हम उस इक्वेशन में डी एफ डबल डैश प्लस टू ईटा ए, जो कि हल भी हो जाती है आसानी से। इसी जब हम ये इक्वेशन पे यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, तो हमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस पे भी यूज करनी है। तो इनिशियल कंडीशन ये है एट टी इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू जीरो। तो आप देखें इन ट्रांसफॉर्मेशन में जब टी जीरो होगा तो ईटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इक्वल जीरो ईटा इन्फिनिटी, यू जीरो का मतलब है यानी एफ इक्वल टू जीरो आ गया। बाउंड्री कंडीशंस को देख रहे हैं, ये वाई इक्वल टू जीरो पे यू कैपिटल यू है, और कहीं हमने यू नॉट भी लिखा तो ये यू ही है। थोड़ा वो लिखने में कहीं पे यू, ये से एक ही बात है, या अपने पास आप हर जगह भी यू नॉट बना ले। तो वाई इक्वल टू जीरो पे और वाई इन्फिनिटी पे। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखें, वाई जीरो पुट करें तो ईटा जीरो आता है, वाई इन्फिनिटी पुट करें तो ईटा इन्फिनिटी आता है। तो लिहाजा जीरो पे वाई जीरो पे ईटा जीरो और एफ इक्वल टू वन, क्योंकि यू कैपिटल यू नॉट था तो यू ओवर कैपिटल यू नॉट एफ है वन, और वाई इन्फिनिटी पे ईटा इन्फिनिटी है और वहां पे यू जीरो था तो एफ जीरो। तो ये बाउंड्री कंडीशंस ट्रांसफॉर्म हो गई। अब वहां पे तो बात सही थी कि एक टाइम डेरिवेटिव था और टू स्पेस डेरिवेटिव थे, तो एक टाइम पे कंडीशन चाहिए थी इनिशियल कंडीशन और टू स्पेस पे था तो टू बाउंड्री कंडीशन चाहिए थी। अब यहाँ पे तो सिर्फ ईटा ही है और उससे डबल डेरिवेटिव है, तो अब कंडीशंस हमारे पास तीन है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें 179 और 181 को, तो दीज आर एग्जैक्टली द सेम। ईटा इक्वल टू इंफिनिटी, एफ इक्वल टू जीरो, ईटा इक्वल टू इंफिनिटी, एफ इक्वल टू जीरो। तो इन फैक्ट हमारे पास दो बाउंड्री, दो ही कंडीशंस हैं, ये 181 जो और 180 और 181, क्योंकि 179 तो यही है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, एक इनिशियल कंडीशन और वन ऑफ द बाउंड्री कंडीशंस हैव बिकम सेम, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये डिफरेंट होती तो फिर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे। सही, हमारे पास दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते और तीन कंडीशन से वो सेटिस्फाई कैसे करते। तो ये सिमिलैरिटी सॉल्यूशन के एग्जिस्ट करने के लिए अनस्टडी क्लोज में ये जरूरी है कि एक इनिशियल कंडीशन जो है वो किसी एक बाउंड्री कंडीशन के साथ सेम आ जाए। तो ये सेम आ गई। अगर हम इस तरह का बाउंड्री डाटा लेते कि यहाँ पे नॉन जीरो होता या यहाँ पे नॉन जीरो होता, तो फिर ये सेम ना आती है, तो फिर हम सिमिलैरिटी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है ये सिर्फ मैथमेटिक्स की हद तक नहीं है। देखिए, अगर ये कंडीशन नॉन जीरो होती और ये नॉन जीरो होती और ये जीरो होती, तो फिर ये कभी भी मर्ज ना हो सकती, एक ही ना बन सकती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन उससे पहले इक्वेशन तो ओडीई बन चुकी थी, इसका मतलब कि इक्वेशन का ओडीई बन जाना जरूरी नहीं है। ये कंडीशन भी जरूरी है कि इनिशियल और बाउंड्री डाटा भी जो है ना सूटेबली कोलाइज करें, एक दूसरे में मिल जाएं। अगर ये नहीं मिल सकते तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या मतलब है, अगर ये नहीं मिल सकते थे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसका मतलब है इसका सिर्फ मैथमेटिक्स की हद तक काम नहीं है, इसका पीछे फिजिक्स के साथ भी ताल्लुक है। कि ये इस तरह की सूटेबल फिजिक्स हो तो फिर तो सिमिलैरिटी सॉल्यूशन मुमकिन है, अगर ये ऐसी ना हो तो फिर सिमिलैरिटी सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है। तो ये नहीं है कि सिर्फ बार बार से हम कहें बस ओडी बन गई है या दोनों वेरिएबल सक्सेसफुली मर्ज हो गए हैं तो बस हो जाएगा, नहीं, इसके पीछे इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद द फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, तब ये बात बनती है। तो वो हम आगे जब उसको बात करेंगे सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को, सेल्फ सिंगल सॉल्यूशन को, तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो बहरहाल ये दोनों सेम हो गए तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, दिस कैन बी सॉल्व इजिली, और इसका जो सॉल्यूशन निकला है वो ये होता है
u equal to u bar equal to u over u naught 1 minus error function of eta. तो ये डायमेंशनलेस फॉर्म में है, तो इसका मतलब है ईटा ऑलरेडी डायमेंशनलेस है। तो जब ये ईटा की डेफिनेशन बनाई है हमने, तो ईटा इज डायमेंशनलेस, इसका मतलब है y और नीचे न्यू टी अंडर रूट, इन दोनों की न्यू टी अंडर रूट की डायमेंशन भी लेंथ की है, तो ये कैंसिल हो गई डायमेंशन, तो y इज डायमेंशनलेस। तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका निकल आया एरर फंक्शन की फॉर्म में। एरर फंक्शन एक इंटीग्रल होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दौरान हम पढ़ते हैं, तो ये उस समय पैरल बुक में इसका इंटीग्रल की फॉर्म थी। तो ये इसका ग्राफ है, इसको जब हम प्लॉट करें 0 to infinity तो क्या होता है, जैसे जैसे इसका जो है ना वो क्यू बार का डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जैसे जैसे हम ईटा की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है हम प्लेट से अवे जा रहे हैं। ईटा जीरो पे प्लेट है और ईटा जीरो से ऑनवर्ड जब हम बढ़ते हैं तो हम प्लेट से अवे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करती जा रही है एसिम्प्टोटिकली। तो यही हमने यहाँ पे इंट्यूटिवली समझा था कि जब फ्लो होगा तो क्लोज टू द प्लेट फ्लो फास्ट होगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ बढ़ते जाएंगे तो फ्लो वीक होता जाएगा और कहीं पे जाके टाई आउट हो जाएगा। तो ये हमारी इंट्यूशन थी जो हमने विस्कस फ्लो की नाम पर समझा था 100 बार। तो सोल्यूशन ने भी एग्जैक्टली वही चीज बताई है कि एट द प्लेट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, क्योंकि प्लेट पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वेलोसिटी एकदम डिक्रीज करने लगती है एसिम्प्टोटिकली, और एज वी गो अवे वेलोसिटी टेंड्स टू अचीव जीरो वैल्यू। और ये प्लेट के ऊपर इसकी डेफिनेशन है कि ये प्लेट है, प्लेट मूव कर रही है, तो क्लोज टू द प्लेट जो लेयर है वो फास्ट मूव करेगी, उससे आगे वाली लेयर कम फास्ट, उससे ऊपर वाली और कम और कम और ऊपर जितना ज्यादा जाएंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये इस फ्लो की जो है ना वेलोसिटी का बिहेवियर है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज स्टोक्स फर्स्ट प्रॉब्लम। तो इसमें आपने जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से खुद निकालना, और इस केस में आपने वॉल शियर स्ट्रेस वगैरह जो है ये भी डिटरमिन। जी कोई सवाल हो तो पूछे। सर ये सिमिलैरिटी सॉल्यूशन का बता दें, आवाज कट गई थी शुरू से जो आपने कहा था। दो मेथड हैं सिमिलैरिटी सॉल्यूशंस जो हैं, सिमिलैरिटी सॉल्यूशंस को हम बुनियादी तौर पे ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पूरी क्लास फ्लूइड डायनामिक्स में बहुत बड़ी क्लास ऑफ फ्लोज है, सेल्फ सिमिलर फ्लोज। तो यहाँ पे फिलहाल स्टार्ट करने के लिए आपके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो सफिशेंट है कि ये जो सिमिलैरिटी सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को देखें, दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिमिलैरिटी सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं, तो वो असल में फ्लो की खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो मिल जाती है कि हम इस इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जाहिर बात है जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम फर्दर सिंप्लीफाई हो गया और उसके सॉल्व होने के चांसेस मजीद बढ़ गए। तो इनके पीछे इनकी फिजिक्स है पूरी, वो आगे एक टॉपिक आएगा तो उसमें फिर मैं इसी प्रॉब्लम के तनाजर में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल यही है कि ये ऐसे ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम सूटेबल मिक्सिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जिसके फॉर्म में इक्वेशन चली जाती है, यानी दोनों वेरिएबल्स के जो डेरिवेटिव है वो सिंगल वेरिएबल के डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट होते हैं। तो जब एक ही डेरिवेटिव होगा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी एक ही वेरिएबल से, तो उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। सर ये एटा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन टाइम भी तो उसमें इन्वॉल्व है। जी सर। हाँ जी, जो हमने बाउंड्री कंडीशंस बनाई उसमें भी उन दोनों को। तो अब ये बात है कि यहाँ पे वो वाई को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूज थी ना, ये जो वैल्यू थी ये वाली और ये वाली वैल्यू, ये तो सेम आ रही है। अब ईटा जीरो और वाई जीरो, अब ईटा
वाई जीरो को, और वाई जीरो पे क्या थी, प्लेट, ठीक हो गया। और इसी तरह से ईटा इन्फिनिटी किसको जाहिर कर रहा है, वाई इन्फिनिटी को, यहाँ पे तो वाई इन्फिनिटी क्या थी, फार अवे फ्रॉम। तो ईटा, व्हेन ईटा वेरियस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ये इसका मतलब है, ये उसी उसी तरह की वेरिएशन को जाहिर कर रहा है जैसे वाई वेरियस फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, लेकिन इसके और उसकी वेरिएशन में फर्क है। तो यहाँ पे ये इसलिए फिर इसको वो वाला वेरिएबल का करेक्टर भी मिल जाता है जो वाई का था, बिकॉज ऑफ दिस, कि जैसे वाई है जीरो से इन्फिनिटी थी, उसी तरह ईटा भी जीरो टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे जो टाइम के रिस्पेक्ट से है ना, टाइम के रिस्पेक्ट से ये सिर्फ एक वैल्यू पे आया है, बाकी टाइम की वैल्यूज पे नहीं है, बाकी टाइम जो मर्जी हो। ये देखे ना इनिशियल डाटा में ये बहुत इंफॉर्मेशन है, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीजें यही है। तो यहाँ पे आप देखें ये टाइम कुछ भी हो, इसको जो भी रखें, जब वाई जीरो है तो ईटा जीरो है, वाई इन्फिनिटी है तो ईटा इन्फिनिटी है, और व्हेन वाई वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी तो ईटा भी जीरो से इन्फिनिटी वेरी करता है, चाहे टाइम कुछ भी है ग्रेटर देन जीरो रख के। तो ये इसलिए फिर ये जो आप कहना चाहते हैं कि यानी ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन अ सेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड सारा वही है। जी सर। और सर ये कि हम अनस्टडी फ्लोज में एक्सटर्नल फ्लोज को सिर्फ डील करेंगे। नहीं, इसी इन्हीं फ्लोज को चैनल में भी स्टडी कर सकते हैं, जी हाँ, इन फ्लोज को चैनल में भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस एक और मैं आपको बात बताता हूँ, वो आगे हमें दोबारा भी उससे उसको बात करेंगे। तो इन फ्लोज के ना दो पार्ट्स होते हैं, जब फ्लो शुरू हो जाता है एक ट्रांजिएंट पार्ट होता है और एक स्टेडी स्टेट पार्ट होता है। ट्रांजिएंट पार्ट ये है कि जैसे ही हमने इस प्लेट को मूव किया तो ये फ्लूड को भी मूव कराना शुरू कर दिया, तो शुरू में सिर्फ यही यहाँ तक ही लेयर्स मूव कर रही होती है, फिर थोड़ा टाइम गुजरता तो ये ऊपर वाली लेयर्स को भी मूव कराती है तो डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंच जाती है, फिर ये ऊपर वालियों को भी मूव कराती है तो और 2 सेकंड बाद डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंच जाती है। तो ये सारा जो टाइम गुजर रहा होता है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट टाइम, जबकि ये फ्लो स्टैब्लिश हो रहा है। फिर एक वक्त गुजरेगा यानी 10 मिनट आधा घंटा या घंटा गुजरेगा तो डिस्टर्बेंस मिसाल के तौर पे यहाँ तक पहुंचनी थी पहुंच गई, अब इससे ऊपर नहीं जा पा रही, लेकिन प्लेट तो चलती जा रही है तो फ्लो इसमें अब होता रहेगा, वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये जो स्टेट होगी इसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, कि जब फर्दर डेवलपमेंट नहीं आ रही, टाइम बेशक गुजरता जा रहा है लेकिन फ्लो जो अब 1 घंटे बाद था वही 2 घंटे बाद है, वही 3 घंटे बाद है, तो फिर इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। लेकिन जब शुरू के हैं, शुरू के 2 सेकंड में जो फ्लो था वो अगले 2 सेकंड में नहीं है, वो जो पिछले 4 सेकंड में था वो अगले फिर 2 सेकंड में नहीं है, तो वो चेंज हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, दैट उसमें टाइम की अहमियत होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट पार्ट। तो इसका इसके जो है ना दो पार्ट होते हैं, स्टेडी पार्ट और ट्रांजिएंट पार्ट। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका ट्रांजिएंट पार्ट हम कैसे देख सकते हैं, अभी नहीं हमें नजर आया ना, तो वो आपको मैं आगे शो करूंगा। बताने का मकसद ये था कि अगर ये चैनल में हो जाए तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ काइटे फ्लो, प्लेट मूव कर रही है ना, प्रेशर ग्रेडियंट ना हो, सिंपल काइटे फ्लो। तो आप देखेंगे कि जब हम इसमें लार्ज टाइम सॉल्यूशन लेंगे तो वो काइटे फ्लो का सॉल्यूशन होगा चैनल में, जब होगा जैसे काइटे फ्लो हमने किया था तो वो हमने उसका स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन स्टडी किया है। वो जब इनिशियली जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो प्लेट्स तो एट रेस्ट ही होंगी ना, काइटे फ्लो में फ्लूड भी एट रेस्ट होगा, फिर हम एक प्लेट को मूव कर रहे हैं अपर को, उससे की वजह से फ्लो कॉज होगा, तो फिर हमें वो वेट करना पड़ेगा कि स्टेडी स्टेट आ जाए, यानी घंटा वेट करेंगे।